उस टॉपिक का नाम क्या है? ओप्स। ठीक है, OOPS। ठीक है, ओप्स। OOPS स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स, नॉट सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। देखिए, एक कंसेप्ट है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है भाई? अगर आपसे किसी ने पूछा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक कंसेप्ट का नाम है। क्या है? एक कंसेप्ट है, एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है, एक प्रोग्रामिंग पैडिग्राम है। और ये ऐसी प्रोग्रामिंग पैडिग्राम है जो कि रियल वर्ड से लिया गया है। समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है? एक प्रोग्रामिंग पैडिग्राम, और एक ऐसा प्रोग्रामिंग पैडिग्राम जो रियल वर्ड से लिया गया है, जिसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एटसेट्रा। कलेक्टिवली इन सारे कंसेप्ट को मिला के हम एक सिंगल नाम से इसे जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओप्स। ओप्स स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स, राइट। जैसा कि हम जानते हैं कि जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावा अगर एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मीनिंग पता होना चाहिए हमारे लिए। तो मैंने आपको बता दिया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक टेक्निक है जो कि रियल वर्ड से लिया गया है, जिसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट हैं, और इन सारे कंसेप्ट को मिला के हम इसको एक सिंगल नाम से जानते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? ओप्स बोलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि ये ओप्स जो कंसेप्ट है, ओप्स के अंदर के जितने भी कंसेप्ट हैं, इन कंसेप्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो ऑब्जेक्ट, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट हैं। एक ऑब्जेक्ट है, क्लास है, इनहेरिटेंस है, इनकैप्सुलेशन है, पॉलीमॉर्फिज्म है। और आखिर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो मेथोडोलॉजी बनाई गई, इस मेथोडोलॉजी में इसका नाम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही क्यों रखा गया, और ये एग्जैक्टली होता क्या है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की क्या मीनिंग होती है, ये सारी चीजें अभी हम जानने वाले हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, ऐसे ही ऑब्जेक्ट बेस्ड भी एक अप्रोच होता है, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी एक अप्रोच होता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट बेस्ड और प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या डिफरेंस होता है, यह भी हम जानेंगे। अच्छा, एक कंसेप्ट और इससे रिलेटेड आता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अलग होता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग होता है, या दोनों सेम होता है? आप लोग बताइए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोनों अलग अलग चीजें होती हैं या सेम चीजें होती हैं? ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो कोई लैंग्वेज है नहीं कि लैंग्वेज है, ये कोई लैंग्वेज नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जस्ट एक प्रोग्रामिंग पैडिग्राम है, प्रोग्रामिंग टेक्निक है। उस टेक्निक को जो लैंग्वेज फॉलो करती है, वो लैंग्वेज क्या बन जाती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट को फॉलो करती है। इसका मतलब क्या हो गया कि जावा कैसी लैंग्वेज हो गई? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई। और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्यों हो गई? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को फॉलो करती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के टेक्निक को यूज करती है। ऐसी कोई भी लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक को फॉलो करती है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। समझ आ रहा है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक में बहुत सारे सब टेक्निक्स भी हैं, जैसे ऑब्जेक्ट है, क्लास है, जिनको हम अप्रोचेस, सॉरी कंसेप्ट बोल सकते हैं। ये सारे कंसेप्ट जो लैंग्वेज फॉलो करती है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। इफ अ लैंग्वेज फॉलो द ऑल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओप्स इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट ऐसी भी लैंग्वेज है जो ओप्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं फॉलो करती है। जैसे ओप्स के अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसमें से एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है रन टाइम, पॉलीमॉर्फिज्म, और दूसरा होता है इनहेरिटेंस। जो लैंग्वेज ये फॉलो नहीं करती है, वो कहलाती है ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कैसी लैंग्वेज? ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ओप्स के सारे फीचर, सारे कंसेप्ट फॉलो होते हैं, और ऑब्जेक्ट बेस्ड में ओप्स के कुछ फीचर नहीं फॉलो होते हैं, जैसे रन टाइम, पॉलीमॉर्फिज्म और जैसे इनहेरिटेंस। So what is the difference between object oriented and object based programming language? In object oriented programming language, a language is called object oriented if it having all the characteristics of OOPS, and a language is called object based programming language if it does not having the following characteristics of OOPS, like runtime polymorphism, like inheritance. And what is a pure object-oriented language? If a language have everything in the form of objects, no support of primitive data type and no support of static keyword, it means the language is called pure. Java is not a pure because it's having a default support of primitive type and static keyword. That word is not called pure object-oriented language. So object-oriented, ऑब्जेक्ट-बेस्ड और प्योर ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड लैंग्वेज में ये डिफरेंस है। तो जरा सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में लिख लीजिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है? व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज अ प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी और प्रोग्रामिंग टेक्निक। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज अ प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी और प्रोग्रामिंग टेक्निक विच इज टेकन फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज अ प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी। Object oriented is a programming methodology or programming technique which is taken from the real world. Object oriented is a programming methodology or programming technique which is taken from the real world in order to simplify the development, in order to simplify the development and maintenance of the software. In order to simplify the development and maintenance of the software. Object oriented is a programming methodology which is taken from the real world, which is taken from the real world in order to simplify the development and maintenance of the software. This technology having so many concepts, this technology having so many concepts like object, class, inheritance, encapsulation, polymorphism, etc. Collectively, all the concepts are called, OOPS. OOPS. OOPS stand for Object Oriented Programming Concepts. देखिए, सम टाइम आप इंटरव्यू में जाते हैं और इंटरव्यूअर ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि टेल मी समथिंग अबाउट OOPS कंसेप्ट्स, टेल मी समथिंग अबाउट OOPS कंसेप्ट्स। इसका मतलब इंटरव्यूअर आपसे OOPS के जितने भी कंसेप्ट हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, सबके बारे में पूछ रहा है। वो ऑल कंसेप्ट में सारी चीजें आ गई। समझ में आ रहा है? सो OOPS स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सिस्टम नहीं, स्ट्रक्चर नहीं, कंसेप्ट, बिकॉज इट हैविंग सो मेनी कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज बेसिकली अ प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी व्हिच इज टेकन फ्रॉम द रियल वर्ल्ड इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द डेवलपमेंट and maintenance of the software, and this approach having so many concepts like object, class, inheritance, encapsulation, polymorphism, etc. Collectively, all the concept is called OOPS. OOPS stands for Object Oriented Programming Concepts. अब लाइन चेंज करके लिखिए, if a language having the all characteristics of OOPS, if a language having all the characteristics of OOPS is called, if a language having all the characteristics of OOPS is called object oriented programming language. If a language having all the characteristics of OOPS is called object oriented programming language. तो ये क्लियर हो गया। So Java is a object oriented language. It means it having all the characteristics of OOPS. And what are the characteristics of OOPS? Class, object, inheritance, encapsulation, polymorphism, etc. Right? And what is the advantage of OOPS? What is the advantage of OOPS? To simplify the development of the software and the maintenance. How it is simplify the development? Because of the real world. It follow the real world like concept. And what are the drawbacks of processor oriented programming methodology? उसमें भी तो कुछ होता था drawbacks. वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी होती थी, टाइम टेकन था, टाइट कपलिंग थी, डिपेंडेंसी था. उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया. तो रियूजेबिलिटी, डेटा हाइडिंग वाया इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन वगैरह, तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए ना. एडवांटेज क्या है इसका? फायदे, रियूजेबिलिटी तो इसका फायदा है जो कि उस लेवल में सी के अंदर नहीं होता था. सिंप्लिसिटी इसलिए है क्योंकि रियल वर्ल्ड को फॉलो करती है. प्रोसेसर ओरिएंटेड में टाइट कपलिंग होती थी, मॉड्युलरिटी नहीं होती थी. प्रोजेक्ट्स को मॉड्यूल में तोड़ नहीं सकते थे, यहाँ पे तोड़ सकते हैं. डिपेंडेंसी नहीं है, तो यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं है. बहुत सारे फीचर्स हैं. ठीक है, चलिए. अब एक होता है ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ऑब्जेक्ट बेस्ड, एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब जिसके पास OOPS के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. और ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज कौन सी होती है? लिखिए, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट बेस्ड. अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट बेस्ड. अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट बेस्ड इफ it does not having the following characteristics of OOPS. A programming language is called object based if it does not having the following characteristics of OOPS. A programming language is called object based if it does not having the following characteristics of OOPS. First, runtime polymorphism. And second, inheritance. Runtime polymorphism and inheritance. ऐसी लैंग्वेज जिसके पास OOPS के ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं वो ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज कहलाती है. ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज जैसे वीबी स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, PHP. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में OOPS के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और ऑब्जेक्ट बेस्ड में क्या क्या नहीं होता? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस नहीं होता. एक और डिफरेंस होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज में. द अनदर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. अनदर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज वी हैव टू मैन्युअली क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स. In object oriented language we have to manually create the objects, but in object based programming language यहीं पे बैठ जाइए आगे. But in object based programming language we have to manually in object oriented language we have to manually create the objects, but in object based programming language we having the ready made objects. Ready made objects. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऑब्जेक्ट हमें बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट बेस्ड में हमारे पास रेडी मेड ऑब्जेक्ट होते हैं. ठीक है, जैसे अगर आपने कभी जावास्क्रिप्ट चलाई हो तो जावास्क्रिप्ट पे रेडीमेड ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं, फंक्शंस बने होते हैं. ऑब्जेक्ट्स पे फंक्शन कॉल करके फंक्शनलिटी अचीव कर लेनी होती है. और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं उनमें हमें ऑब्जेक्ट्स बनाना पड़ता है. ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज के अंदर. एक होता है प्योर या ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. तो लिख लीजिए, व्हाट इज द प्योर और ट्रूली. प्योर और ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. प्योर और ट्रूली किसमें आता है? प्योर ये कैटेगरी है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग एक कैटेगरी है, ऑब्जेक्ट बेस्ड एक अलग कैटेगरी है, और प्योर या ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक अलग कैटेगरी है। तो तीन कैटेगरी हो गई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट बेस्ड एंड प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट रिलेटेड, ये तीन टर्मिनोलॉजी हो गई। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो कि मैंने आपको बता दिया, किसी को कोई दिक्कत है पूछिए। ऑब्जेक्ट बेस्ड ये भी बता दिया, किसी को दिक्कत है तो तुरंत पूछिए, थियोरेटिकल चीजें हैं। और प्योर या ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट बेस्ड एंड प्योर या ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये अलग कैटेगरी होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज सबसे पहले जो बनाई गई दैट इज सिबुला। सिबुला इज द वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, देन C++, देन जावा, ऐसे बहुत सी सार दे आर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट बेस्ड कौन सी लैंग्वेजेस हैं? वीबी स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, PHP, दे आर द ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। एंड व्हाट आर द प्योर या ट्रूली? स्मॉलटॉक। Smalltalk, yes, Smalltalk. Java is not a pure. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज वो होती है जिसमें OOPS के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो होते हैं। ऑब्जेक्ट बेस में OOPS के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो नहीं होते हैं, रन टाइम, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। एंड प्योर या ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो लैंग्वेज होती है वो लैंग्वेज कहलाती है जिनमें हर चीज ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हो। Pure object oriented language are those languages in which everything represented in the form of objects. सारी चीजें ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हो, राइट? मतलब ऑब्जेक्ट के अलावा कुछ हो ही नहीं। आपने कहा सर ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, आज हम वो डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब होता है और हर चीज ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यहां कैसे होती है। OOPS के डिसएडवांटेज क्या है? OOPS के डिसएडवांटेज मतलब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोलॉजी के डिसएडवांटेज पूछ रहे हो। गुड, देखिए अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं और आप अभी जान भी लीजिए कि हमारे पास डेवलपमेंट में अभी के टाइम पे तीन तरह की मेथोडोलॉजी यूज होती है। एक होती है प्रोसीजरल ओरिएंटेड, एक होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और एक होती है एस्पेक्ट ओरिएंटेड। प्रोसीजरल ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एस्पेक्ट ओरिएंटेड, राइट। तो प्रोसीजरल ओरिएंटेड में क्या ड्रॉबैक्स थे वो हमने डिस्कस किया था कि वहां पे डिपेंडेंसी होती है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है। उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आया जिसमें रियल वर्ड की चीजों को कनेक्ट करके प्रोग्रामिंग सिंप्लीफाई हो जाती है। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कुछ ड्रॉबैक्स आया जिसको सॉल्व करने के लिए एस्पेक्ट ओरिएंटेड आया। तो अगर मेरे से आप ये पूछ रहे हो कि सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रॉब्लम्स, तो वैसे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है बट एक लेवल पे इसका प्रॉब्लम ये है कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक क्लास है ए और दूसरी क्लास है बी। मैंने ए क्लास को ऑब्जेक्ट बना दिया बी के अंदर, तो मान लीजिए मैं बी क्लास को किसी नए एनवायरमेंट में ले जा रहा हूं तो मुझे ए क्लास को भी उसी एनवायरमेंट में ले जाना पड़ेगा। मतलब ए क्लास बी पे डिपेंडेंट हो जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ये ड्रॉबैक है कि अगर मेरे पास एक क्लास है सर्विस क्लास या मेरे पास क्लास है सर्वलेट क्लास, तो सर्वलेट का ऑब्जेक्ट मुझे बनाना पड़ेगा। और मतलब आप अगर ऐसे जानना चाहते हो तो ऐसे समझ लो कि फॉर एग्जाम्पल आपको खाना खाना है तो खाना खाने के तीन तरीके हो गए। एक खाना बना के खाना है, एक में खाना बना बनाया मिल जाएगा और एक में आपको जाना भी नहीं पड़ेगा और ऑर्डर करो अपने आप घर पे आ जाए। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बिल्कुल ड्रॉबैक ये है कि खाना खाने के लिए आपको होटल जाना पड़ेगा, ये ड्रॉबैक है। और इसका एडवांटेज क्या है कि आप घर पे ऑर्डर कर दो, खाना आ जाएगा। और वो आएगा कैसे? वो आएगा एक अप्रोच को फॉलो करके जिसका नाम है एस्पेक्ट ओरिएंटेड। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ड्रॉबैक एक लेवल पे ये होता है कि इसमें एक लेवल पे डिपेंडेंसी आ जाती है। और अगर कोई एक क्लास जैसे मैं अभी बता रहा था सर्विस या सर्वलेट है तो उसका ऑब्जेक्ट हमें खुद बनाना पड़ता है। तो ये बनाना एक कॉम्प्लेक्सिटी है। कंपनी लेवल पे कहा जाता है कि किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जिम्मेदारी अगर डेवलपर को दे दी जाएगी, वो बार बार बनाएगा, इसकी जिम्मेदारी किसी टेक्नोलॉजी को दे दो और वो खुद ही बना के आपको ऑब्जेक्ट रन करके दे दे, वो चीज होती है एस्पेक्ट ओरिएंटेड में। और उस एस्पेक्ट ओरिएंटेड को फॉलो करता है स्प्रिंग फ्रेमवर्क। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क यानी कि फ्रेमवर्क जो है वो हमारे एडवांटेज हो गए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ड्रॉबैक है कि भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं एक लेवल पे डिपेंडेंसी आ जाती है। वो डिपेंडेंसी को समझने के लिए कोडिंग में आपको जाना पड़ेगा। जब मैं आपको स्प्रिंग फ्रेमवर्क समझाऊंगा तो उस टाइम पे बताऊंगा, देखो ये ड्रॉबैक्स था ओप्स के अंदर, इसीलिए स्प्रिंग पढ़ रहे हैं। और स्प्रिंग फॉलो करती है एस्पेक्ट ओरिएंटेड। एस्पेक्ट का मतलब होता है कंसर्न। अपने कंसर्न बताओ कि आपको चाहिए क्या। आपको किसी क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, आपको पिज्जा डिलीवरी कराना है, तो अपना कंसर्न बताइए, डोमिनोज को फोन करिए, घर पे आएगा। बिल्कुल उसी तरह से आप अपना कंसर्न टेक्नोलॉजी को बताइए और वो टेक्नोलॉजी आपको अपने अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे देगी, ऑब्जेक्ट बना के दे देगी। ये फायदा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, ये ड्रॉबैक है। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ड्रॉबैक आप जानना चाहते हैं तो आपको एस्पेक्ट ओरिएंटेड के एडवांटेज जानने पड़ेंगे, और वो एडवांटेज ओप्स के ड्रॉबैक है। वैसे आपके लेवल पे अभी बिगिनर लेवल पे कोई ड्रॉबैक नहीं, बट जब आप स्प्रिंग फ्रेमवर्क पढ़ोगे तो वहां ड्रॉबैक आ जाता है, एस्पेक्ट ओरिएंटेड पढ़ोगे तो ड्रॉबैक आ जाता है। ठीक है, सो ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज मैं बता रहा था वो होती है जिसमें हर चीज ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है। अच्छा, अब एक चीज आप सोचो कि जावा कैसी लैंग्वेज है। जावा क्या ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है? जावा तो ट्रूली है, इतना बड़ा टेक्नोलॉजी मैं पढ़ रहा हूँ, ट्रूली नहीं हो सकती है? ट्रूली होगी। देखिए, अगर मैं किसी भी ऐसी टेक्नोलॉजी की बात करूं जिसके अंदर भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। क्या प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होती हैं? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, कैट, डबल, बुलियन, ये सब प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रीडिफाइंड डेटा टाइप्स जो हैं, अगर जिस लैंग्वेज में है वो प्योर नहीं है, तो बताओ जावा में है या नहीं है? बिल्कुल है। तो इसलिए जावा प्योर नहीं मानी जाती है। तो जावा प्योर नहीं है, बट प्योर से बेटर है, फ्लेक्सिबल है, जिसमें किसी प्रिमिटिव टाइप को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने की फैसिलिटी भी है। तो अगर आपने कहा कि सर अगर फैसिलिटी है तो इसको प्योर बोलिए ना, इसे अनप्योर क्यों बोल रहे हैं, इसे मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों बोल रहे हैं, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि जावा में बाय डिफॉल्ट प्रिमिटिव तो प्रिमिटिव ही है, ऑब्जेक्ट तो नहीं है। वो तो एक फैसिलिटी है कि आप उस प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट वो प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट नहीं है। क्वेश्चन ये है कि जावा ने अपने आप को प्रिमिटिव का सपोर्ट क्यों दिया, उसने सब कुछ ऑब्जेक्ट क्यों नहीं कर दिया? अगर किसी लैंग्वेज में प्रिमिटिव डेटा टाइप का सपोर्ट नहीं होता है तो इट मीन्स उस लैंग्वेज के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेशंस, अरिथमेटिक मैनिपुलेशंस नहीं हो पाएंगे। आप उसपे उस लैंग्वेज के अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर नहीं डेवलप कर पाएंगे जिसमें कैलकुलेशन हो रहा हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स पे कभी कैलकुलेशन नहीं होते। कैलकुलेशन हमेशा इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, बुलियन इन डेटा पे होते हैं। और डेटा प्रिमिटिव टाइप का देने का पर्पस ही जावा का यही था कि वो अर्थमेटिक ऑपरेशंस करें और फिर जब जरूरत पड़े तो उन प्रिमिटिव को किसमें कन्वर्ट कर लिया जाए, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया जाए एज पर द रिक्वायरमेंट। हमेशा नहीं, जब जरूरत हो तो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया जाए प्रिमिटिव को, राइट। वो एक फ्लेक्सिबिलिटी है। So Java is a pure? No sir, Java is not pure. It is a better than pure. It is a better than pure, right? How it is better than pure and what is the meaning of pure? So pure object oriented language वो होती है जिसमें हर चीज ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जा सके। तो जावा में प्रिमिटिव टाइप है। जावा में कोई फंक्शन बनाइए, कोई डेटा बनाइए, उसके आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा दीजिए। जैसे लगाएंगे उस डेटा या फंक्शन को मेमोरी मिल जाती है बिना ऑब्जेक्ट बनाए, उसको आप कॉल कर लीजिए। और जो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है वो कहता है नहीं, हर चीज ऑब्जेक्ट पे होना चाहिए। तो स्टैटिक भी जावा को प्योर बनने से रोक रहा है, स्टैटिक कीवर्ड, राइट। सो अब मजे की बात आपको मैं बताऊं, मैंने आपको साथ एक बार बताया भी था, अगर इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होती है, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि सर प्योर अनप्योर नाम की कोई टर्मिनोलॉजी जावा या पूरे इस मतलब जो ये कंसेप्ट जिसने भी बनाया, जैसे होता नहीं है कि जेम्स गॉसलिन ने तो नहीं कहा था कि ये कोर जावा होती है, एडवांस जावा होती है ना? उन्होंने तो जावा ऐसी, जावा डबल ई, जावा एम ही बनाया। उन्होंने तो स्टार्टिंग में जावा ही बनाया, 1998 में उसे 3 पार्ट में तोड़ दिया। तो जावा ऐसी को लोगों ने अपने नाम से कोर नाम दे दिया, जावा डबल ई को एडवांस नाम दे दिया। तो इज देयर एनी टर्मिनोलॉजी इन डेवलपमेंट लाइक कोर जावा, एडवांस जावा? नो ना। इन द सेम सिनेरियो देयर इज नो एनी टर्मिनोलॉजी इन डेवलपमेंट व्हाट इज अ प्योर एंड व्हाट इज इम्प्योर। कुछ ऐसा टर्मिनोलॉजी नहीं है। अब बताओ क्या आप प्योर इंसान हो या केवल इंसान हो? बोलना सही है गलत है? गलत है। प्योर अनप्योर नाम का कोई चीज नहीं होता। फिर भी लोग पूछते हैं, किसी एक जालिम इंटरव्यूअर ने पूछ लिया और उसको किसी दूसरे ने बता दिया, किसी तीसरे ने उसको सुन लिया, फिर चौथे ने, ऐसे बताते बताते और फिर वो चीज स्टैक ओवरफ्लो पे छा गई है और उसके वीडियोस हैं, उसकी वेबसाइट्स पे लोग उसमें लिख दिए हैं जो मैं बोल रहा हूं कि प्योर वही होता है। तो पहले आप इंटरव्यू में इसे भी जस्टिफाई करो, क्योंकि इस पर मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत खोजा। तो कई जगह ये मिलता था कि जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होती है इसलिए जावा प्योर है। कई बेवकूफ ऐसे हैं जो ऐसे बता देते हैं, नहीं जी मल्टीपल इनहेरिटेंस तो जावा में होती है, पहले वही गलत बता रहे हैं। उसमें ओप्स के ये सारे फीचर्स होने चाहिए तो जावा में ये फीचर नहीं होता है, इनहेरिटेंस नहीं होता मल्टीपल, इसलिए ये सब गलत बातें हैं। जावा में ओप्स के सारे कंसेप्ट फॉलो होते हैं, चाहे वो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों ना हो, होता है इंटरफेस से होता है। तो ये बात बहुत गलत है बिल्कुल कि प्योर क्या है इनप्योर क्या है। ये मैंने फिर कहीं से देखा, कहीं से पढ़ा, तो उन्होंने साफ साफ लिखा था ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर इंटरव्यू में, मतलब इसका भी आंसर देना आपको, इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा प्योर ऑब्जर्वेंटेड लैंग्वेज क्या होती है, तो सर ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी नहीं होती है प्योर ऑब्जर्वेंटेड, बात खत्म। लेकिन फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं तो सर मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये चीज हमने भी पढ़ा है, आप इसे नेट पे सर्च करिए, पढ़िए, आपको सब पता चल जाएगा। समझ आ रहा है? तो ये मतलब समझ लो कि जब इंटरव्यू में आपको रिजेक्ट करना है तो ऐसे ऊट पटांग क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा और रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो उसमें से ये क्वेश्चन है। अब मुझे किसी को ये बताना है कि तुम्हें जावा नहीं आती है, तो मैं 50 ऐसे क्वेश्चन पूछ लूंगा और इस टाइप के क्वेश्चन पूछूंगा कि भाई तुम्हें जावा नहीं आएगी, ये जान लेना, गारंटी है। जब रिजेक्ट करना है तो चांसेस है ना, जैसे होता है ना कि कभी भाई कंपनी में प्रेशर होता है कि उसे ड्राइव कराना है, गवर्नमेंट को दिखाना है, तो ड्राइव हमने कराया, हमने जी वो एक जॉब फेयर कराया, तो बस वैसे ही वो जॉब फेयर कराते और रूट पटांग क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि सामने वाला बता ना पाए। उसी तरह पे क्वेश्चन है, कुछ इसमें बहुत ज्यादा दम नहीं है। फिर भी अगर आप ऐसा लड़ने की क्षमता होनी चाहिए कि इंटरव्यूअर के सामने आप कॉन्फिडेंस से ये सब बोल सके। इन जनरल अगर कोई प्योर बोल रहा है तो उसको आप विद लॉजिक कंसेप्ट के थ्रू प्रूफ करके बता दो, सर जावा में प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं। मैं भी अपने टाइम पे, मुझे भी किसी ने बताया था कि जावा में प्रिमिटिव टाइप होते हैं इसलिए जावा प्योर नहीं है। मैं इंटरव्यू में जाके यही बोल के आ गया। उसने कहा फिर जावा में ये बताओ रैपर क्लास भी तो होती हैं जो प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव में कन्वर्ट करती हैं, तो वो तो हो सकता है, तो फिर प्योर बोलो। हमने कहा ये तो मुझे नहीं पता सर, ये तो हाँ तो हो सकता है। तो आप बोलेंगे वो तो एक फ्लेक्सिबिलिटी है सर, आपको कंफ्यूज करेगा। आप बोलेंगे सर एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो सकती है, बट बाय डिफॉल्ट तो प्रिमिटिव है ना। वो प्रिमिटिव वाली कहानी पुरानी हो चुकी है। अब स्टैटिक भी बोलेंगे सर स्टैटिक हमारे जावा के अंदर किसी डेटा या किसी मेथड के आगे लगाओ और बिना ऑब्जेक्ट्स बनाए मेथड को कॉल करो, डेटा को मेमोरी मिलेगी, सब कुछ हो जाएगा। तो स्टैटिक भी जावा को प्योर बनने से रोक रहा है, बट जावा फ्लेक्सिबल है, प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने की फैसिलिटी देती है और स्टैटिक भी ऑब्जेक्ट से चल जाता है। मतलब हमारे यहाँ स्टैटिक, मैं आपको ओप्स में पूरा बताऊंगा, एक किसी डेटा के आगे लगा देते हो तो उसको मेमोरी बिना ऑब्जेक्ट बनाए मिल जाती है और उस डेटा को आप क्लास के नेम से कॉल कर पाओगे, साथ में ऑब्जेक्ट से भी कॉल कर पाओगे। डॉटनेट में नहीं होता, डॉटनेट के अंदर केवल स्टैटिक को क्लास के नेम से कॉल करेंगे। ये फ्लेक्सिबिलिटी है। चलिए ये तो कंसेप्ट हो गया। अब कंसेप्ट के बाद ओवरऑल हमें समझना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और आज से मैं ओप्स के सारे कंसेप्ट को आपको बता देता हूँ। और अगर मैं इन फ्यूचर इससे रिलेटेड चीजें आपको मैं पूछ रहा हूँ तो आपको जरूर जवाब देना होगा कि सर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है और ये ऑब्जेक्ट बेस्ड होता है। देखिए टर्मिनोलॉजी बहुत सारी है, बट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ये क्यों आया, इसका नाम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही क्यों है, इसका नाम सूर्या ओरिएंटेड क्यों नहीं है, है ना, इसका नाम कुछ और क्यों नहीं है और इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसको जानते हुए और ओप्स को यहां से हम स्टार्ट करते हैं। राइट, चलिए देखिए एक्चुअली हुआ क्या था कि जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच नहीं आया था तो उससे पहले एक प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच हुआ करता था और वो अप्रोच को फॉलो कौन करता था, सी फॉलो करती थी। और उसमें सबसे बड़ा समस्या क्या था, तो ये सबसे बड़ा जो समस्या था, समस्याएं तो बहुत सारी थी, जो सबसे बड़ा समस्या था कि आपको हमेशा और हमेशा हर कंसेप्ट, हर सॉफ्टवेयर को जब आप डेवलप करने जाते थे तो आप नए वर्ड और नए टर्मिनोलॉजीज याद करते थे। ठीक है, जैसे सपोज करो आप एक सॉफ्टवेयर आज बनाने जा रहे हो किसी कॉलेज के लिए। आज आप ऊपर अगर बैठोगे तो आप पूछते हो ना कि सर आज क्या करें, आज मुझे बताओ मैं क्या करूं, तो मैं कहूंगा चलो आज एक कॉलेज का सॉफ्टवेयर बनाओ। तो कॉलेज का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपने नए वर्ड, नए टर्मिनोलॉजी और नए कंसेप्ट आपके माइंड में आए और उसको इंप्लीमेंट करके आपने सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया, और नए नए चीजें जो वहां पे यूज होंगी उसको आप यूज करोगे, जैसे एरे, स्ट्रक्चर, पॉइंटर, एनम, जो भी चीजें हैं। क्या इसका कोई रियल वर्ड में मीनिंग है? एरे का रियल वर्ड में कुछ मीनिंग हो, इसको कहीं से रिलेट करो, पॉइंटर को पॉइंटर से रिलेट करो, इसको थोड़ा सा रियल वर्ड के किसी एग्जाम्पल से रिलेट कर लो ताकि इसे भूलो नहीं। मुझे तो ये सब याद नहीं हो पाता क्योंकि स्ट्रक्चर, एनम, पॉइंटर, जो भी चीजें हैं इनका रियल वर्ड, स्टोरेज, क्लासेस, अजीब अजीब किस्म के टर्मिनोलॉजीज थे जिनका अपने रियल वर्ड में कोई मीनिंग नहीं था। अब जब रियल वर्ड में उनका मीनिंग नहीं है तो उसका मतलब उसे हमें रटना पड़ेगा, उसे याद करना पड़ेगा। और देखो ह्यूमन नेचर है फॉरगेटिंग, और मैंने ये चैप्टर भी पढ़ा है अपने इंग्लिश के लिटरेचर में पढ़ा है। फॉरगेटिंग मतलब आदमी कोई चीज याद करता है तो भूलता जरूर है। वो घर में ताला लगाना भूल सकता है, छाता भूल सकता है, टोपी भूल सकता है, तो वो बड़े से बड़ा कोड या बड़े से टर्मिनोलॉजीज क्यों नहीं भूल सकता? बिल्कुल भूल सकता है। तो सपोज करो कि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हो, किसी कॉलेज के लिए उसके लिए अलग टर्मिनोलॉजी, किसी वेबसाइट के लिए बनाने जा रहे हो उसके लिए अलग टर्मिनोलॉजी, या किसी भी मॉल के लिए बनाने जा रहे हो तो अलग टर्मिनोलॉजी। तो आपको हजारों एन नंबर ऑफ टर्मिनोलॉजी, एन नंबर ऑफ कंसेप्ट याद करने पड़ेंगे और उनको रियल वर्ड से रिलेट नहीं कर सकते। आप रिलेट नहीं कर सकते तो कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि आपको उसे रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, रिमेंबर करना पड़ेगा। तो इज इट पॉसिबल कि चीजों को हम इतना ज्यादा मेमोराइज कर लें? वैसे हमारे पास कैपेबिलिटी तो है बट वो हम कर नहीं पाते। So we need some kind of approach which is taken from the real world, and उसके जितने भी कंसेप्ट है वो भी रियल वर्ड के हों, जिससे चीजों को रियल वर्ड से रिलेट करना आसान हो और प्रोग्रामिंग सिंपल हो। बात समझ आ रहा है? तो ऐसा करने के लिए बेसिकली ये मैं क्या बता रहा हूं, बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की नीड बता रहा हूं, रिक्वायरमेंट बता रहा हूं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैसे पैदा हुआ, इसकी जन्म कैसे हुआ, क्या रिक्वायरमेंट थी। तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या थी? इसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि हमें बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को सिंप्लीफाई करना है, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिंप्लीफाई ऐसे होगा कि उसके जितने भी कंसेप्ट हो, जितने भी टर्मोलॉजीज हो, उनको फिर रटना ना पड़े, रिमेंबर ना करना पड़े। उसको हम कैसे करें? उसको कुछ ऐसे करें कि भाई उनके जितने भी कंसेप्ट हैं उनको रियल वर्ड से रिलेट करके उनको मेमोराइज कर लें। अगर कोई चीज रियल वर्ड से रिलेट करके याद करते हो तो जल्दी याद होता है। मैं एक एग्जाम्पल भी दिया था बहुत पहले कि मान लो कि 6 फरवरी को मेरी शादी है और आपको आना है तो हो सकता है भूल जाए, बट उस 6 फरवरी को युवराज सिंह के 6 छक्के से आपने रिलेट कर दिया तो वो नहीं भूलोगे। ये रियल वर्ड से रिलेशन है। रियल वर्ड से चीजों को रिलेट करोगे तो कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, है ना। एक और एग्जांपल दिया था, दैट इज कॉल्ड एसेसिनेशन, अगर आपको याद हो तो। बहुत पहले मैंने बताया था ASS, है ना, गधे के ऊपर गधा, गधे के ऊपर मैं, और नेशन का मतलब राष्ट्र। तो एसेसिनेशन इज अ वर्ड जिसको आप ऐसे पढ़ोगे तो भूल सकता है, बट गधे के ऊपर गधा और गधे के ऊपर मैं, मेरे ऊपर राष्ट्र नहीं बोल सकता। राइट, समझ आ रहा है? समझ रहे हो कि भाई ASS का मतलब गधा, फिर ASS का मतलब गधा, और आई का मतलब मैं, और नेशन का मतलब राष्ट्र, या नेशन लिख दिया। तो देखो ये चीजें हैं कि आप रियल वर्ड से चीजों को कनेक्ट करोगे तो जिंदगी में वो चीजें नहीं भूलेंगी, इट इज गारंटी। आपने 1000 बार इनकैप्सुलेशन पढ़ा होगा, बट उसको अगर रियल वर्ड से रिलेट करके पढ़ लो तो शायद आप इंटरव्यू में जाओगे। कई बार इंटरव्यू में जाते हैं तो माइंड ब्लैंक हो जाता है, कुछ जाता ही नहीं है कि हम क्या बोलें, बट शायद आपको एग्जांपल्स जो हैं, जो रियल वर्ड से रिलेशन है, वो अगर तैयार होगा तो आप कभी जिंदगी में कुछ नहीं बोलोगे। वही फंडा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। इसी चीज को माइंड में रखते हुए इन्होंने सोचा कि संसार में ऐसा कोई नाम निकालो, कोई ऐसा वर्ड निकालो सबसे पहले जो संसार में हर चीज के लिए एप्लीकेबल हो। मतलब कहने का ये था कि जैसे सपोज करो कि मैं सॉफ्टवेयर अगर बनाने जा रहा हूं किसी कॉलेज के लिए तो अलग वर्ड, अलग टर्मिनोलॉजी, अलग कंसेप्ट। अगर मैं मॉल के लिए बना रहा हूं तो अलग वर्ड, अलग टर्मिनोलॉजी, अलग कंसेप्ट। सो वी नीड अ सम काइंड ऑफ कंसेप्ट, वी नीड अ सम काइंड ऑफ अप्रोच, वी नीड अ सम काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी विच इज एप्लीकेबल फॉर एवरी रियल वर्ड एंटिटी। कि जब भी आप सॉफ्टवेयर बनाने जाओ तो वही नाम, वही एक ऐसा लौता नाम हो जो संसार में हर चीज पे लगाया जा सके। जब भी किसी सॉफ्टवेयर को बनाने जाओ तो वो नाम आप उसके लिए यूज करो। समझ आ रहा है? तो पहले ऐसे कुछ नाम निकालें, फिर ऐसे इसी से रिलेटेड बहुत सारी टर्मिनोलॉजी निकालें। इनके माइंड में यही था। तो आप मुझे बताओ कि संसार में ऐसा कौन सा नाम है जो रियल वर्ड में हर रियल वर्ड की एंटिटी पे लगाया जा सकता है, चाहे वो लॉजिकल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो टेंजिबल हो, और चाहे वो अनटेंजिबल हो। मतलब संसार में ऐसा कौन सा नाम? ऑब्जेक्ट। यस, इसे गूगल भी करोगे, डिक्शनरी करोगे, ऑब्जेक्ट ही मिलेगा आपको। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एक ऐसा कॉमन नेम है, जब भी आप सॉफ्टवेयर बनाने जाओ, कुछ भी करने जाओ, एज अ जावा डेवलपर, एज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपर, आपको नया वर्ड नहीं याद करना है। यू हैव टू रिमेंबर ओनली वन वर्ड दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। सर क्या करना है मुझे? मैंने कहा आपको ये करना है, ये सॉफ्टवेयर बनाना है। तो सर ये सॉफ्टवेयर मुझे कैसे डेवलप करना है, आपको अपने माइंड में सोच लेना, दिस इज माय ऑब्जेक्टिव, दिस इज माय ऑब्जेक्ट। बात कर रहा हूं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्ड में ऑब्जेक्ट वर्ड यहां से आई थी, दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसीलिए इसका नाम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब एवरीथिंग इज लाइक डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। मीन्स वेन एवर यू आर गोइंग टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इन अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड which follow the object oriented methodology, this is nothing but an object. So what is the object? Write down the definition of object. Anything which exists in the real world, anything which exists in the real world, which we can see, touch, feel and imagine, anything which exists in the real world, which we can see, touch, feel and imagine, known as object. Anything which exists in the real world that we can see, touch, feel and imagine, known as object. या दूसरे वर्ड में डेफिनेशन लिख लीजिए, एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी, एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी विच हैविंग देयर फिजिकल, लॉजिकल, एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी विच हैविंग देयर फिजिकल, लॉजिकल, टेंजिबल और अनटेंजिबल एग्जिस्टेंस, टेंजिबल और अनटेंजिबल एग्जिस्टेंस, known as object. Any real world entity which having their physical, logical, tangible or untangible existence, known as object. Every object having the following three characteristics. Every object having the following three characteristics. First, state को ही हम डेटा मेंबर बोलते हैं या एट्रीब्यूट बोलते हैं। Second, बिहेवियर या फंक्शनैलिटी या मेंबर फंक्शन इसे बोलते हैं। एंड थर्ड वन इज द आइडेंटिटी, थर्ड वन इज द आइडेंटिटी। सो एज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपर जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर बनाने जाएंगे तो उसे क्या मान लेंगे, ऑब्जेक्टिव। कुछ भी, चाहे वो 2 नंबर का समकाई प्रोग्राम क्यों ना हो, चाहे वो प्राइम फैक्टोरियल इवन ऑड ही क्यों ना हो, बट कंपनी में क्या 2 नंबर का सम या प्राइम फैक्टोरियल के प्रोग्राम को बनाने का पैसा मिलता है क्या? है ना, ऐसा तो नहीं होता। तो रियल वर्ल्ड के सॉफ्टवेयर को बनाने का पैसा मिलता है। और जब भी आप रियल वर्ल्ड में कोई सॉफ्टवेयर, जैसे आप अपना प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो, प्रोजेक्ट के अंदर कितने मॉड्यूल्स हैं, उस मॉड्यूल पे किस मॉड्यूल पे काम करने जा रहे हो, जैसे लॉग इन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, प्रोडक्ट दिखाना है, उसे क्या मान लेना अपना, ऑब्जेक्ट। संसार में हर चीज ऑब्जेक्ट है, इवन दिस मार्केट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। एंड व्हाट आर द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस ऑब्जेक्ट? स्टेट मीन्स डेटा। व्हाट आर द डेटा? आप ऐसे एक एग्जाम्पल के थ्रू लिख सकते हो किसी ऑब्जेक्ट की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। आप सारे लोग एक एक ऑब्जेक्ट इमेजिन करो, उसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। स्टेट, बिहेवियर, आइडेंटिटी बताओ। स्टेट का मतलब डेटा, डेटा मतलब इसकी लेंथ, इसकी विड्थ, इसकी हाइट, इसका कलर, दे आर द डेटा। एंड व्हाट आर द बिहेवियर? राइटिंग, पेंटिंग, किसी को मार भी दिया ना ऐसे, है ना, खींच के, इट इज ऑल्सो बिहेवियर। एंड व्हाट इज द आइडेंटिटी? आइडेंटिटी इज द इट्स बार कोड। आई हैव ऑल्सो माई लेंथ, विड्थ, हाइट, कलर एंड माई पैन नंबर इज माई आइडेंटिटी। माई बिहेवियर इज नथिंग बट आई ईट, like teach, walk, they are all behaviors of mind, right? तो जिस तरह से रियल वर्ल्ड में हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी स्टेट बिहेवियर आइडेंटिटी होती है, आप एक एक एग्जाम्पल जरा लिखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट इमेजिन करके लिखिए जरा, मैं कॉपी। सब लोगों ने सुना होगा भाई जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, इसमें इसका नाम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही क्यों है और ऑब्जेक्ट की मीनिंग क्या है, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपने रट्टा मारा होगा हमेशा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली क्या है वो आपने समझ लिया? क्लियर है? बहुत सारी चीजें अभी धीरे धीरे क्लियर होंगी, बट किसी को समझता है तो प्लीज पूछिए, ठीक है? इंटरव्यूअर ने आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज ऑब्जेक्ट इन जावा या व्हाट इज ऑब्जेक्ट, तो आप क्या बोलोगे? रियल वर्ल्ड एवरीथिंग विच वी कैन टच फील और सी। आपको क्या लगता है कि ये चीज क्या हर जगह नहीं पढ़ाया जाता होगा? हर जगह पढ़ाया जाता होगा, हर किताब में लिखा होगा, हर वेबसाइट में लिखा होगा, बट आपको कैसे इंटरव्यूअर हायर करे? क्वेश्चन है ना, क्योंकि आपको कुछ अलग हटके आंसर देना है, आपको कुछ अलग वे में उसको समझाना है। भाई होता तो यही है, तो कैसे अलग वे में? अलग वे का मतलब इंटरव्यूअर के माइंड में पता नहीं क्या है। अगर वो ऑब्जेक्ट की हम बात करें तो ये जो ऑब्जेक्ट टर्म है, ये जो वर्ड है, इट कैन बी एक्सप्लेन इन सो मेनी वेज, यू हैव टू एक्सप्लेन इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर लाइक दिस, सर द टर्म ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सप्लेन in different ways, it can be explained from real world point of view, it can be explained from coding point of view, it can be explained from memory point of view, and it can be explained from class point of view, class point of view, right? मतलब इंटरव्यू में जब जाते हैं आपको कंफ्यूजन इसीलिए होता है। और आपको मैं बताऊं कि ये जो कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन को जब आप पढ़ने बैठते हो तो कॉलेज लेवल में क्या होता है, एकेडमिक लेवल में क्या होता है कि हम उसको रियल वर्ड से तो समझ लेते हैं, बट उसको कोडिंग में, मेमोरी में नहीं समझ पाते। अब जैसे ऑब्जेक्ट का ही मतलब देख लो तो रियल वर्ड में तो मैंने बताया सब कुछ ऑब्जेक्ट है, बट कोडिंग में इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी, मेमोरी में इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। और मैंने क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों बताया, क्योंकि जावा में ऑब्जेक्ट नाम की क्लास होती है। सपोज करो इंटरव्यू ने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज ऑब्जेक्ट क्लास इन जावा, तो सर इन जावा देयर इज अ क्लास हुज नेम इज ऑब्जेक्ट, इट इज अ पेरेंट क्लास ऑफ एवरी क्लास, बात खत्म। पता नहीं, हो सकता वो इसने उसने ऑब्जेक्ट क्लास के बारे में पूछा। आपको क्या लगता है मैंने पूछा व्हाट इज ऑब्जेक्ट क्लास इन जावा, तो आपको लगेगा कि सर ने पूछा ऑब्जेक्ट क्या होता है और क्लास क्या होता है। नहीं, मैंने ऑब्जेक्ट क्लास जो जावा में बनी बनाई क्लास होती है उसके बारे में बात कर लिया। आप बताओ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, वो कंफ्यूज ही करेगा आपको। यहाँ पे आपकी मतलब जितने भी कंसेप्ट है उन कंसेप्ट को अच्छे से रिमेम्बर करना होगा और समझाना होगा। सर ऑब्जेक्ट क्लास इन जावा मींस ऑब्जेक्ट और क्लास की बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्लास जो जावा बनी बनाई क्लास है उसकी बात कर रहे हैं? आपको खुद क्लियर कर लो। अब देखो मैं आपको बताऊं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। अब जैसे एक क्वेश्चन आता है इक्वल इक्वल और इक्वल्स, इसमें डिफरेंस पूछा जाता है। इक्वल्स मेथड ऑब्जेक्ट क्लास में, इक्वल्स मेथड स्ट्रिंग क्लास में भी है। तो इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इक्वल इक्वल एंड इक्वल्स, तो जनरली आप लोग बता देते हो। आपको पूछना है कि इंटरव्यू में ऑब्जेक्ट क्लास का इक्वल या स्ट्रिंग क्लास का इक्वल, सर कहां पे किस जगह है बताओ, क्लियर करना है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, आपको क्लियर करना है। तो द टर्म ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सप्लेन इन सो मेनी वेज, द टर्म क्लास, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, जो भी ओप्स के कंसेप्ट हैं उसको पहले रियल वर्ड से समझो, फिर उसको कोडिंग में समझो, फिर मेमोरी में जाके देखो वो कैसे कैसे मतलब उसको मेमोरी मिल रही है, और फिर उसको आप फील करो अच्छे से। तो ये तो आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली और ये रियल वर्ड से रिलेट कर दिया, तो कभी चीज भूलेगी नहीं। यही फंडा है ओप्स का, समझ आया? तो अभी जो मैंने आपको ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन बताई वो फ्रॉम रियल वर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, कोडिंग और मेमोरी में भी बताऊंगा। चलो ठीक है, रियल वर्ड से हमें समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग व्हिच एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड व्हिच वी कैन सी, टच, फील एंड इमेजिन। एनीथिंग इज इन द रियल वर्ल्ड इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। तो जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे उसे ऑब्जेक्ट मान लेंगे। तो चलिए हम सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं, एक बनाते हैं, उसे अपना ऑब्जेक्ट मान के और प्रोग्रामिंग करते हैं। कितनी थियरी चलेगी, एकदम थियरी चल रही है, थियरी चल रही है, कुछ प्रैक्टिकल भी करते हैं। बताइए आप, चलिए स्टार्ट करें। क्या क्या रिक्वायरमेंट बताइए, आप अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट बताइए कि क्या इमेजिन करके चलें, क्या मेरी रिक्वायरमेंट है। चलो मेरी रिक्वायरमेंट मैं बताता हूं, मैं सोच रहा हूं, अगर आप नहीं दे पा रहे हो। मेरे पास इतने सारे ट्रेनीज हैं or in trainees, you are the trainees, I am the consultant. So I have to submit the record of my trainees to the my manager. So इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक कॉपी उठाऊंगा, उसमें सबका नाम लिख लूंगा, रोल नंबर लिख लूंगा, आईडी ले लूंगा और बता दूंगा ऊपर। एक तरीका हो गया, बट ये तो मैनुअल हो गया ना, मैनुअल हो गया। दूसरा तरीका एक्सेल शीट में मेंटेन कर लो, ग्रुप बना के ग्रुप शेयर कर दो। So we have a number of approaches, but we have another approaches. We are going to become a Java developers. I am also Java developers. So क्यों ना हम इसका एक सॉफ्टवेयर बना दें। ये मेरे ट्रेनीज है सर, इनकी इन्फॉर्मेशन ये है और ये ट्रेनीज में इनका नेम ये है, मोबाइल नंबर ये है, जिसकी जब डिटेल चाहूं देख लूं, जिसकी जो आईडी हो उसको प्रिंट कर लूं, है ना, आईडी डालते डिटेल आ जाए। ऐसा मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने की सोच रहा हूं। दिस इज माई ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है, अभी मैं ये ले रहा हूं, कल को आप बताओ मैं ले लूंगा। So what is my objective? I have to print the information of my Java trainees, okay? और उनको हमें सॉफ्टवेयर में रिप्रेजेंट करना है। तो Java trainees हमारे ऑब्जेक्टिव हो गए। ऐसे कुछ भी हो सकता है, लॉग इन करोगे तो लॉग इन, रजिस्ट्रेशन करोगे तो रजिस्ट्रेशन, किसी वेबसाइट में कुछ रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो तो वो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। इन्फॉर्मेशन को, प्रोडक्ट को वेबसाइट में दिखाना है, वो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। तो जो भी ऑब्जेक्टिव होगा उस ऑब्जेक्टिव को माइंड में लीजिए और उसको प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करिए। चलिए भाई करते हैं। अच्छा, आपने ये चीज सोच लिया कि हमारे ऑब्जेक्टिव ये है, बट उस ऑब्जेक्टिव के लिए आपको तीन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करनी है, बस और कुछ नहीं। पहला स्टेट, दूसरा बिहेवियर और तीसरा आइडेंटिटी। ये OOPS का सबसे बड़ा फंडा है। आपको मैं बता दूं कि आज के जो सेशन में नहीं है ना स्पेशली, तो मतलब समझ लो कि उनका पूरा जावा नहीं है। वो जिंदगी भर इसी चीज को परेशान रहेंगे कि हम प्रोग्रामिंग कहां से करें और कैसे करें, क्या माने, कैसे सॉफ्टवेयर बनते हैं। तो इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप मतलब अभी यहां बैठे हो और आप समझ रहे हो कि हमें कभी भी कोई ऑब्जेक्टिव लेना है तो उस ऑब्जेक्टिव के तीन कैरेक्टरिस्टिक्स, तीन पिलर होते हैं, स्टेट, बिहेवियर, आइडेंटिटी। उसको लेके प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है और यहीं से मैं पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप कर दूंगा आपके सामने। और विद कंसेप्ट, अगर मैं डॉट भी लगा रहा हूं तो क्यों लगा रहा हूं मैं आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आप अपना सॉफ्टवेयर जब बनाएंगे तो कोई ना कोई आपके पास क्या होना चाहिए, या तो आईडी होना चाहिए एडिटर, या विदाउट आईडी या विद आईडी। तो आईडी मतलब मान लो नोटपैड हमारे सामने ओपन है और हम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास कंसेप्ट है कि हमारे पास बहुत सारे जावा ट्रेनीज हैं और इन जावा ट्रेनीज की इंफॉर्मेशन हमें दिखानी है। तो जावा ट्रेनी हमारे लिए एक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और इस ऑब्जेक्ट की जो स्टेट हो गई, जो डेटा हो गया, वो क्या हो गया, वो डेटा हो गया जैसे ट्रेनी का नेम हो गया, कॉलेज उनका खुद का नेम हो गया, उनका रोल नंबर हो गया, उनकी आईडी हो गई, उनका मोबाइल हो गया, उनका एड्रेस हो गया, उनका कॉलेज की डिटेल हो गई, एंड नंबर ऑफ डिटेल, जितने भी डेटा हो सकते हैं, ओके। एंड उनके बिहेवियर यानी फंक्शनलिटीज, तो इसे क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड डेटा मेंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एंड उसके बिहेवियर्स क्या हो गए भाई, ट्रेनीज के बिहेवियर्स क्या हैं, कुछ ट्रेनी पढ़ रहे हैं तो पढ़ना उनका बिहेवियर हो गया। अच्छा, पढ़ने के लिए फंक्शनलिटीज हमें बनानी, फंक्शन ऐसे बनता है पैरेंथेसिस लगा के, ठीक है। कुछ ऐसे भी हैं जो चैट कर रहे होंगे तो चैटिंग, कुछ ऐसे भी हैं पिक्चर देख रहे हैं, वॉच मूवी, ठीक है। तो ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो कुछ ऐसे हैं जो जिनकी इंफॉर्मेशन हमें दिखानी है तो उसके लिए एक फंक्शन बना लेते हैं, व्यू इन्फो, ठीक है, शो इन्फो वगैरह वगैरह, वॉट एवर दे आर द बिहेवियर्स, फंक्शनलिटी। पहले ये दो चीज समझो आप, इसी पे पूरी जावा डिपेंडेंट है। हर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज डिपेंडेंट है, चाहे वो C++ हो, जावा हो, C# हो, PHP हो, जो भी हो। डेटा फंक्शन इसी का खेल है और इसीलिए मैंने आपको मेंबर फंक्शन पहले ही बनाना सिखा दिया। जो 12 बजे वाले क्लास के लोग हैं उनको मैं अलग से बताऊंगा मेंबर फंक्शन कैसे बनाते हैं, मेथड कैसे बनाते हैं, बट मैंने मेथड बनाना इसलिए पहले आपको सिखा दिया। डेटा भी आपको बता चुका हूं और आपको पता होना चाहिए डेटा बिना टाइप के नहीं हो सकता, डेटा मस्ट हैव देयर टाइप। तो यहां से उनका टाइप बताना पड़ेगा, इंट, फ्लोट, कैर, डबल, बुलियन, जो भी है उनका टाइप बताना पड़ेगा। तो डेटा मस्ट हैव देयर टाइप, हर डेटा का टाइप बनाइए, बिना डेटा टाइप के डेटा नहीं लिख सकते हो आप, क्लियर है। दूसरी चीज, फंक्शन को बनाने का भी एक स्टैंडर्ड होता है, वाइड, रिटर्न, नॉन रिटर्न, विदाउट रिटर्न, जो नहीं पढ़ा है मैं उसको फिर से बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है उससे, बस कंसेप्ट समझे। चलिए तो इसे मैं मिटा देता हूं, ये तो जस्ट एक आपको ऐसे ही बताया कि ये डेटा हो सकता है, फंक्शनली हो सकता है। अब प्रोग्रामिंग में इसे चलते हैं। आइडेंटिटी अभी बताता हूं आइडेंटिटी क्या होती है। चलिए देखिए, तो प्रोग्राम ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले हम ट्रेनीज का जो नाम है वो रखेंगे, तो हमने यहां पे ले लिया नेम, ठीक है, पीछे सबको दिख रहा है नेम, ठीक है। अच्छा, ऐसे अगर मैं जावा में लिखूं कोई डेटा तो पॉसिबल है? विथ डेटा टाइप जावा इज द स्ट्रांगली टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्ट्रिक्टली टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब इट इज नॉट अ पाइथन, इट इज नॉट अदर लैंग्वेजेस जिसमें हो सकता हो कि बिना एक ही डेटा से भी बहुत जगह काम हो जाता है, बट हमारे यहाँ अलग अलग डेटा का अलग अलग टाइप होता है, तो टाइप देना बहुत जरूरी है। बिना टाइप के नहीं लिख सकते कोई वेरिएबल। तो आप मुझे बताओ कि नेम किस टाइप का हो सकता है? स्ट्रिंग। क्यों भाई स्ट्रिंग क्यों? कैरेक्टर भी तो हो सकता है। नहीं, अब एक चीज मुझे बताओ, वैरकर तो डेटाबेस में होता है, वैरकर तो डेटाबेस में होता है, लैंग्वेज में नहीं होता। स्ट्रिंग, क्योंकि एक कैरेक्टर में किसी का तो नाम नहीं होता है ना, ए बी सी डी एक्स वाई जेड नहीं होता है ना, राम श्याम सुरेश मोहन होता है, और वो राम श्याम सुरेश मोहन कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन और कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन को स्ट्रिंग बोलते हैं। और अभी भी मैं आपको बता दूं, ऐसा डेटा किसी का नाम नंबर 420 नहीं हो सकता, 786 नहीं हो सकता, 877 नहीं हो सकता। हो सकता हो किसी ने रख दिया किसी का नाम, मैंने रख दिया मेरे दोस्त का तेरा नाम 420 है भाई, तो उसको इंटीजर में ले सकता हूं नाम, लेकिन नहीं। मैं आपको बताता हूं, ऐसा डेटा जिसपे हमें अर्थमेटिक मैनिपुलेशंस नहीं करने हैं उसको हम रेफरेंस टाइप का लेकर चलेंगे, और स्ट्रिंग एक रेफरेंस टाइप का डेटा है, नॉन प्रिमिटिव डेटा की कैटेगरी में एक तरह से आता है। स्ट्रिंग एक बनी बनाई क्लास है जावा में, ठीक है, और ऐसे डेटा जिसपे अर्थमेटिक मैनिपुलेशन करना है उसको प्रिमिटिव लेके चलना होता है। और प्रिमिटिव में भी अगर आपको, मैंने आपको डेटा टाइप की सुटेबिलिटी बता रखी है, अगर डेटा नेटवर्क पे ट्रेवल कराना है तो बाइट, अगर आपको अर्थमेटिक ऑपरेशन करना है तो या इंट या तो डबल, ऐसे। तो यहाँ पे ये जो नेम का टाइप है ये किस टाइप का ले लिया जाएगा? स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग ले लिया, स्ट्रिंग नेम। अच्छा, उसके कॉलेज का भी नाम स्ट्रिंग टाइप का ही होगा। दो कॉलेज को एक साथ जोड़ के गुणा घटाना भाग उस पर तो नहीं करना है ना, है ना, दो कॉलेज को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उनके कॉलेज को नेम भी यहाँ पे कॉमा करके मैं लिख देता हूं CLG नेम, ठीक है। तो नेम ले लिया, CLG नेम ले लिया, और मोबाइल नंबर में जोड़ घटाना गुणा भाग करने की जरूरत है, तो इसको भी हम क्या ले लेते हैं? स्ट्रिंग ही ले लेंगे। मोबाइल मतलब स्ट्रिंग वाला डेटा एक ही बार ऐसे डिक्लेयर करते हुए चलो, तीन ही रखते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, n नंबर ऑफ डेटा हो सकते हैं। जो देखो रिक्वायरमेंट के ऊपर कि क्या हमें चाहिए, हो सकता है बाद में बढ़ा लेना, बाद में घटा लेना, जो आपको चाहिए वो ले लेना। डेटा अपने अकॉर्डिंगली लेना होता है, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंगली। जैसे सपोज करो वेबसाइट बना रहे हो, रजिस्ट्रेशन हो रहा है ना, फॉर्म से डेटा आ रहा है, यूजर नाम वगैरह वगैरह, ईमेल एड्रेस वगैरह सब डाल रहे हो, तो वो सारा डेटा कट करना होगा और कहीं ना कहीं उसे संभाल के रखना होगा, उसके लिए ऑब्जेक्ट तो चाहिए, तो वो ऐसे डेटा टाइप यहाँ पे बना के रखेंगे, ठीक है। और हम ले लेते हैं उसकी एज, और एज और उसकी सैलरी वाली मिल रही है, नहीं आईडी है, सैलरी नहीं मिल रही है अभी, राइट। तो इसे क्या बोलेंगे, क्या ले लिया हमने? डेटा मेंबर। इसे क्या बोलेंगे हमेशा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा मेंबर बोलते हैं इसे। स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डेटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। फंक्शनलिटी बना लेते हैं, मेंबर फंक्शन। क्या फंक्शनलिटी होगी? कोई ट्रेनिंग पढ़ रहा है तो उसके लिए भाई अगर पापा का फोन आता है, पूछते हैं मेरा बेटा क्या कर रहा है, तो पढ़ रहे होंगे तो पढ़ने वाला फंक्शन कॉल करके उनको दिखा देंगे, देखो पढ़ रहा है वो, है ना। उसके अंदर लॉजिक भी लिख देंगे, देखो कैमरा ऑन कर देंगे, सीसीटीवी कैमरा दिखा देंगे, देखो लॉजिक लिख देंगे ना। फंक्शनलिटी में लॉजिक होती है, फंक्शनलिटी हमेशा जब भी बनाते हैं तो लॉजिक लिखते हैं। अभी हम लॉजिक बड़ा बड़ा नहीं बना सकते हैं, तो कुछ मैसेज वैसेज तो प्रिंट करा सकते हैं ना। चलिए, मुझे क्या करना है, सारे ट्रेनिंग की इंफॉर्मेशन मैनेजर को देनी है, तो मैं एक मैथड बना लेता हूं, रिटर्न टाइप नहीं चाहिए तो वाइड नाम से बना लेता हूं, वाइड व्यू इन्फो शो इन्फो, नाम कुछ भी रख दो, इसका फिक्स नहीं होता है क्या नाम रखना है। और विथ स्टैंडर्ड, जो हमारा कोडिंग स्टैंडर्ड है वो हम फॉलो कर रहे हैं। कोडिंग स्टैंडर्ड क्या होता है कि जब मैथड बनाते हैं तो पहला स्मॉल आने वाला हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, वो भूल नहीं जाना है। जो आइडेंटिफायर कीवर्ड डेटा टाइप आपको पढ़ाया है वो सब यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है। तो वाइड व्यू इन्फो, और हमें क्या दिखाना है, नेम, ये सबकी इन्फॉर्मेशन दिखानी है। अलग अलग प्रिंट करना है, एक साथ प्रिंट करना है, एक अलग प्रिंट करना है तो आप पूरा लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ऐसा आप कभी अपने सिस्टम में मत ट्राई करना, ये मैं ऐसे लिख रहा हूं, सिस्टम में पूरा लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। और यहां पे आपने प्रिंट कर दिया नेम को। ध्यान से मेरी बात सुनना, जब नेम को डबल कोड में लिख दोगे तो एज इट इज लिखा जाएगा, एज इट इज। बट अगर आपने इस डबल कोड को हटा दिया तो इसकी जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी। प्रिंट एलन का मतलब होता है न्यू लाइन। आप प्रिंट एलन की जगह पे प्रिंट भी लगा सकते हो, न्यू लाइन नहीं चाहिए तो। अब सपोज करो मुझे नेम ये सब प्रिंट करना है तो फिर से एसओपी लगाऊंगा और फिर से यहां लिख दूंगा सीएलजी नेम, तो बड़ा हो जाएगा ना, बार बार लिखना पड़ेगा। एक में ही लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, उसका जुगाड़ ये है कि आप यहां लिख दीजिए नेम। अब सी होती है तो कॉमा लगा के लिख देते हैं, सी नहीं है ना, ये तो जावा है, तो आपको प्लस करके एक कोई मैसेज स्ट्रिंग इसके साथ कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा, कॉन्कैटिनेशन करना पड़ेगा। सीएलजी नेम प्लस प्लस मोबाइल प्लस प्लस जो भी इंफॉर्मेशन है, एज प्लस यहां लिख देता हूं प्लस आईडी। बस सर, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में हम ना लिखेंगे उसको प्रोग्राम चलेगा। स्पेस तो एक ब्लैंक दे दीजिए, स्ट्रिंग बनाना है ना इसे, ये पूरी एक स्ट्रिंग बन गई डबल कोड में लिखने की वजह से। ठीक है, गुड। और वाइड वॉच मूवी ओपनिंग क्लोजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दिस ट्रेनी इज वॉचिंग मूवी। मैसेज देना है आपको, कुछ भी दे दीजिए, ठीक है। और भी ऐसे फंक्शन बन सकता है ना, दो रहने दें, चैट, रीड वगैरह वगैरह, वट एवर। डेटा डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं, डेटा मेंबर, एमएफ मेंबर फंक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट खत्म हो गया। जाओ घर, बन गया मास्टर। और क्या भाई, भाई आपको कभी भी कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, स्टार्टिंग से ऑब्जेक्ट की लीड को क्रिएट करते हुए मैंने आपको यहां पे बता दिया ऑब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट की कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और फिर प्रोग्राम बनाना है तो क्या क्या करना होगा। सबसे पहले आपको अपने ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना होगा, ऑब्जेक्टिव के लिए डेटा डिसाइड करना होगा, देन उसकी फंक्शनलिटी डिसाइड करनी होगी कि आप क्या बनाना चाहते हो। वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन, लॉगिन कर रहे हो तो लॉगिन, लॉगिन की फंक्शनलिटी डू लॉगिन वगैरह वगैरह जो भी है। एनी क्वेश्चन? I have the so many questions regarding this point, regarding this topic। और देखो पॉइंट से, टॉपिक से, क्यों, कैसे करके अगर चीज पढ़ोगे तो जिंदगी में नहीं भूलेगा। और शायद आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कभी भी आपने पढ़ा होगा तो आपको सीधे बताया जाता है चलो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, चलो डेटा लेते हैं और प्रोग्राम बनाते हैं। लेकिन मैंने आपको विद रिक्वायरमेंट बताई कि क्यों ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जरूरत क्यों, ऑब्जेक्ट होता क्या है। एंड सॉरी, आपने डेटा बनाया, फंक्शन बनाया तो किसी रिक्वायरमेंट को लेके बनाया। चलिए इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के प्रॉब्लम को समझते हैं। क्या आपको ये प्रोग्राम देख के समझ में आ रहा है कि ये डेटा और ये फंक्शनलिटी किस ऑब्जेक्ट का है? दिस इज प्रॉब्लम फर्स्ट। व्हाट इज प्रॉब्लम फर्स्ट? प्रॉब्लम फर्स्ट इज कि इस प्रोग्राम को देख के, इस डेटा को देख के किसी भी एंड यूजर, मान लो बाहर से कोई बंदा आ रहा है यहां पे, ऐसे एंटर हुआ, कहता है सर मुझे जावा सीखनी है। मैंने कहा ये तुम्हारा डेटा, ये तुम्हारी फंक्शन है। क्या वो बता पाएगा ये डेटा, ये फंक्शन किस ऑब्जेक्ट के लिए लिया गया है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फॉर विच दिस डेटा एंड दिस फंक्शन इज गोइंग टू बी क्रिएटेड? नहीं पता चल रहा है। मतलब बहुत टेक्निकल बंदा होगा तो शायद पता कर पाए, बट दूर से देख के नहीं पता चल पा रहा है कि ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्टिव किस पर्टिकुलर चीज को माइंड में रख के करा गया है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, क्या किस चीज के लिए बनाया गया है। चलो ठीक है, कभी अगर पता भी चल जाए तो। दूसरी प्रॉब्लम सुनिए, पहली प्रॉब्लम तो समझ में आ रही है। पहली प्रॉब्लम यह है कि ऑब्जेक्ट कि किस ऑब्जेक्टिव के लिए डेटा ये फंक्शनलिटी बनाई गई है पता नहीं चल पा रहा है। और दूसरा जो सबसे बड़ी डिफिकल्टीज है वो ये है कि ये जो डेटा है और ये जो फंक्शन है यही तो सी में होता था। सी में भी तो वेरिएबल ऊपर बनाते थे, डिवाइड मेन फंक्शन लिखते थे, प्रोग्राम बनाते थे। तो सी में वो दिक्कत क्या आती थी कि डेटा अलग फंक्शन अलग, नो डेटा हाइडिंग। In this program we have another problem, no data hiding, data is like separated to the function, data अलग है function अलग है, इस data को कोई भी कहीं से लेके access कर सकता है। और data जो है आज के time पे बहुत important है, भले ही आप 2 मिनट में कहीं भी जाते हैं तो आपसे मांगा जाता है पिज्जा खाने जाते हैं तो सर अपना नाम बताइए, अपना कॉन्टेक्ट बताइए, खटाखट बताते चले जाते हो हैं। तो आपको नहीं पता है कि वो आपका जो डेटा है वो क्यों ले रहा है, यहाँ बैठिए। वो आपका डेटा बेसिकली इसलिए ले रहा है ताकि जब भी कोई नया ऑफर हो आपको मेल मैसेज करे ताकि उसका बिजनेस ग्रो हो, ठीक है। और इसके लिए आजकल तो डेटा साइंस का भी कोर्स होता है बहुत, मतलब अब आप देखते हो आप डेटा का खेल है कि आप जाते हो फेसबुक में, आप जाते हो फ्लिपकार्ट में और वहां से देखा अच्छा अच्छा ड्रेस और जैसे उस पर गलती से कर दिया क्लिक और वो डेटा हमारे ब्राउजर में प्लग हो गया और जब भी मैं ओपन करूंगा फेसबुक तो मेरे फेसबुक में दिखा रहा है कि आपने ये डेटा चूज करा था। देखते हो ऐसा डेटा है ना। तो जो डेटा कहाँ से लोग चोरी कर रहे हैं। मेरे पास रोज मैसेज आता है कि सर ये बताओ कि ये आपको लोन कराना है, मैंने कहीं से एक बार लोन ले लिया था और वो बांट रहा है डेटा, उसी का खा रहा है, फ्रेश डेटा है। डेटा लोग बेचते भी हैं। अब ये जो आपका डोंकरी मॉन्स्टर है ये लोगों को डेटा बेचते हैं। चलो ठीक है, ये तो बेचने की बात हो गई। चुराने की बात जो देखो अब हमारे ब्राउजर के कैसे में जो हमने प्रोडक्ट परचेज मतलब वॉच किया था वो प्रोडक्ट, वो फेसबुक वाला कितना होशियार है कि वो डेटा उठा के आपके उसमें दिखा दे रहा है, एडवर्टाइज कर दे रहा है और इस चीज के लिए पैसे फ्लिपकार्ट से वो ले रहा है। बताओ, तो वो तो हमारे लिए बहुत सेंसिटिव चीज है। डेटा सिक्योर बनाओ, सेफ बनाओ और इसी डेटा को सेफ करने के लिए, सिक्योर करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इनकैप्सुलेशन आया। Which concept? Encapsulation. Data hiding. Yes. Wrapping the data with and the function together. That is called a class. Yes, good. तो यहाँ पे जो कमी खल रही है वो बेसिकली इनकैप्सुलेशन की है। और वो कैसे हो पाएगा? वो हो पाएगा ऐसे कि अगर मैं यहाँ से इसे, खैर अब मैं मिटा देता हूँ, इसे लिखने की जरूरत नहीं है कि डेटा ये क्या है। यहाँ पे बस मैं बना दूं क्लास और क्लास का नाम ले लूं जावा ट्रेनी ओपनिंग क्लोजिंग। नाउ दिस डेटा इज इनकैप्सुलेटेड इन दिस क्लास बट दिस क्लास इज नॉट 100% इनकैप्सुलेशन। दिस इज जनरल डेफिनेशन ऑफ इनकैप्सुलेशन। 100% नहीं है इनकैप्सुलेशन, उसके लिए अलग से एक क्लास बनती है जावा बीन क्लास, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। मतलब एक लेवल पे बोल सकते हो एक क्लास इनकैप्सुलेशन होती है, कई लोग बोलते भी हैं, बट 100% नहीं है। अगर आपसे इनकैप्सुलेशन का कोड लिखने के लिए कहा जाए तो वो अलग से कोड हम बनाएंगे, प्राइवेट डेटा बनाएंगे, पब्लिक सेक्टर डेटा बनाएंगे, जावा बीन बनाएंगे, राइट, वो अलग चीज होती है। बट अभी आपको इस क्लास बनाने से क्या फायदा हुआ कि दूर से देख के समझ में आ रहा है कि ये प्रोग्राम किस ऑब्जेक्टिव के लिए लिया गया था। ऑब्जेक्टिव इज द जावा ट्रेनिंग, या ऊपर और बड़ा थोड़ा सा नाम दे देते हैं जितना मतलब रिलेवेंट हो आपके लिए, देखने में समझ में आए। कई लोग तो सिस्टम ओपन करते हैं और क्लास बनाते हैं हाथी, वेरिएबल का नाम XYZ, प्रोग्राम एंड सब हम जो भी करते हैं उनको अगर टास्क मिलेगा तो वो जिंदगी में यही हमेशा करेंगे। सपोज करो कंपनी में जाते हैं, उन्होंने क्वेश्चन पूछा क्या आप प्राइम नंबर का प्रोग्राम लिख सकते हो, वो क्लास बनाएंगे A, वेरिएबल का नाम X, ठीक है, सब कुछ सही है, निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। आपने कोडिंग कन्वेंशन फॉलो नहीं करा, कोडिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करा, ऐसा हो सकता है। आपने क्लास का नाम रिलेवेंट नहीं रखा, मेथड का नाम रिलेवेंट नहीं रखा, ये सब ऐसा रखना चाहिए ताकि आपका जो फेलो प्रोग्रामर हो, जो कंपनी छोड़ के आप चले जाए क्योंकि आपको पैकेज ज्यादा मिल गया है, तो दूसरा बंदा आएगा उसको आपकी कोड को देख के पता चल पाए कि आपका कोड कैसा लिखा गया है। समझ में आ रहा है? इसलिए रिलेवेंट रखना है ताकि भूलो नहीं। कनेक्शन प्रोवाइडर मतलब उसमें कनेक्शन है, कनेक्शन को प्रोवाइड कर रहा है। रजिस्ट्रेशन मतलब यहाँ पे यूजर रजिस्टर करने जा रहा है। सेंड ओटीपी, ओटीपी जनरेट करने वाला कोड है। वैलिडेट यूजर, यूजर को वैलिडेट करने वाला कोड है, स्टेटमेंट जो भी है। तो हमारे एक ऑब्जेक्ट, चलो मैं क्लास को हटा देता हूं। जब मैंने एक ऑब्जेक्टिव को माइंड में रख के ये डेटा और ये फंक्शन बनाया था, तो हमें इस डेटा और फंक्शन को देख के ये नहीं समझ में आ रहा था ये डेटा किस ऑब्जेक्ट का है और किस ऑब्जेक्ट के लिए, ये किस ऑब्जेक्टिव के लिए ये डेटा बनाया गया और फंक्शन बनाया गया है। तो समस्या इस बात की आ गई कि ये डेटा और ये फंक्शन हमें पता नहीं चल रहा है किस ऑब्जेक्टिव के लिए है। और दूसरी समस्या इस बात की आ गई कि ये डेटा फंक्शन अगर हमें पता भी चल जाए तो ये डेटा हाइड नहीं है। इस डेटा हाइडिंग को अचीव करने के लिए इनकैप्सुलेशन बना और इनकैप्सुलेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्लास बना। बट एक नॉर्मल क्लास 100% इनकैप्सुलेशन को अचीव नहीं करता, उसके लिए अलग से हमें जावा बीन क्लास बनानी चाहिए, वो हम आपको डिटेल में बताएंगे। बट क्वेश्चन है कि क्लास क्यों, इसका नाम क्लास ही क्यों, इसका नाम क्लास क्यों नहीं है ना। क्वेश्चन व्हाट इज क्लास एंड व्हाई वी रिक्वायर द क्लास, व्हाट इज द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लास। हो सकता है आप रट्टा मारेंगे, लेकिन जब प्रोग्राम में हम पहले दिन प्रोग्राम बनाते हैं तो क्लास लिखते हैं, वो क्यों लिखते हैं उसे जरा आप समझिए, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट संसार में कोई भी चीज होती है जिसको हम देख सके, छू सके, महसूस कर सके। एवरीथिंग इन द रियल वर्ल्ड कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट विच वी कैन सी, टच, फील एंड इमेजिन, एंड एवरी ऑब्जेक्ट हैविंग थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज स्टेट, बिहेवियर, आइडेंटिटी। ये तो पता है आपको। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हर ऑब्जेक्ट की अपनी स्टेट, बिहेवियर, आइडेंटिटी होती है, बट रियल वर्ल्ड में आपको ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे जिनकी सेम स्टेट मतलब सेम डेटा, सेम बिहेवियर और हो सकता है आइडेंटिटी थोड़ी डिफरेंट हो, बट होती है। सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स कहीं आपको मिलेंगे, बहुत ऐसा जगह होगा, बहुत ऐसे सिनेरियोज में सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि हर ऑब्जेक्ट की अपनी स्टेट होती है, अपना बिहेवियर होता है और अपनी आइडेंटिटी होती है, बट रियल वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी सेम स्टेट और सेम बिहेवियर होती है। तो यहां पे समस्या ये आया कि जैसे एग्जांपल मैं बताता हूं, जैसे यहाँ चेयर देख लो, ये देखो सेम टाइप की चेयर है जिनकी सेम स्टेट और सेम बिहेवियर है। जैसे ये मार्कर है मेरे पास, देखो दो है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, 3-4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, जिनकी सेम स्टेट और सेम बिहेवियर है, सेम कंपनी है, सेम कलर है, सेम प्राइस है, सब कुछ डेटा सेम, फंक्शनलिटी सेम। तो यहां पे समस्या आया कि ऐसा जो सेम टाइप का ऑब्जेक्ट है उसको कैटेगराइज करना ही नहीं। क्यों, अभी ये भी क्वेश्चन है, क्यों कैटेगराइज करना है। अच्छा ये बताओ समाज में कैटेगराइजेशन क्यों किया, समाज में कैटेगराइजेशन क्यों किया, गवर्नमेंट ने कैटेगराइजेशन कर रहा, जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, व्हाटएवर है ना, क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज, ये भी तो कैटेगराइजेशन है, ट्रेन में भी तो है, प्लेन में भी तो है। तो जैसे समाज में हो सकता है, सोसाइटी में हो सकता है, तो प्रोग्रामिंग में कैटेगराइजेशन नहीं हो सकता। बिल्कुल, कैटेगराइजेशन से फायदा क्या होता है, चीजों को सर्च करना इजी होता है? मुझे डॉक्टर के पास जाना है तो मैं एम्स में जाके सर्च करूंगा और ना कि सुप्रीम कोर्ट में जाके सर्च करूंगा, है कि नहीं। कैटेगराइजेशन सारी चीजों का कैटेगराइजेशन है, तो अगर कैटेगराइजेशन है तो वहां पे हम इजीली जंप कर सकते हैं। अगर आपको मतलब सपोज करो कि सब्जी लेने जाना तो सब्जी मंडी जाओगे, ना कि फल मंडी जाओगे, ना कि आप चांदनी चौक में जाके कपड़े के मार्केट में सब्जी खोजोगे, राइट। वहां कैटेगराइजेशन है कि सेम टाइप की चीजें एक जगह रहे, सेम टाइप की चीजें एक जगह रहे, तो उसको सर्च करना ईजी है कि नहीं। दिस इज द रीजन दैट्स व्हाई वी नीड टू कैटेगराइज द ऑब्जेक्ट्स। So what is the unique name which is taken from the real world that is used to categorizing the objects? आप बताओ ऐसा कौन सा नाम हो सकता है संसार में जो रियल वर्ल्ड से लिया जाएगा और अगेन जो सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स को क्या कर रहा हो, कैटेगराइज कर रहा हो। बताइए नाम, वो कौन सा नाम हो सकता है। क्लास, क्लास नहीं, एक्स वाई जेड नहीं, हाथी नहीं, घोड़ा नहीं, क्लास। क्लास एक ऐसा नाम है जो सेम टाइप के ऑब्जेक्ट की कैटेगरी बना रहा है। उन्होंने ट्रेन में, समाज में, सोसाइटी में, प्लेन में, हर जगह जाके देखा होगा कि क्लास एक ऐसा वर्ड है जो क्या कर रहा है, सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी बना रहा है, कैटेगराइजेशन कर रहा है। आप बताओ क्लास ऐसा कोई जगह बताओ जहां आप क्लास यूज करते हो, कोई ऐसा जगह, कोई ऐसा प्लेस जहाँ आप क्लास कहते हो ये क्लास है, कॉलेज में, जब हम कॉलेज में क्लास की बात करते हैं, ट्रेन में क्लास की बात करते हैं, तो वहां कैटेगराइजेशन है, वहां पे सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, जनरल वाले सेम फीचर होगा, फर्स्ट क्लास एसी में रात को डिनर आएगा और जनरल वाले को टॉफी भी नहीं पूछा जाएगा। समझ में आ रहा है? दिस द क्लास कैटेगराइजेशन। सो कैटेगराइजेशन को अचीव करने के लिए क्लास रियल वर्ल्ड में है, तो क्यों ना प्रोग्रामिंग में भी जो हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं इसको भी तो कैटेगराइज करना है हमें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, उन ऑब्जेक्ट को कैटेगराइज करो और उस कैटेगराइजेशन के लिए क्लास होती है। अब बात समझ में आया? इसीलिए क्लास, और क्लास क्या होता है? लॉजिकल कैटेगराइजेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। आपने कहा बनाते क्यों है, जरूरत क्या है, चलो इसको भी बताता हूं। अभी खत्म नहीं हुआ है कहानी, अभी शुरू हुआ है कहानी क्लास की। ये तो सोचना खत्म, बस हो गया खत्म, क्लास तो हम जान गए, अभी तो शुरू हुआ है क्लास। मुझे ये बताओ, ये जो डेटा और ये फंक्शन आपने बनाया, ये जावा की रिक्वायरमेंट थी, जेम्स गॉसलिन की रिक्वायरमेंट थी, हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो ये जो डेटा और ये फंक्शन बनाया, ये आपने अपने लिए बनाया या किसी दूसरे के लिए बनाया? अपनी रिक्वायरमेंट के लिए बनाया ना, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी डेटा है। तो आपके डेटा को ऐसे प्रोग्रामिंग में अगर लिखा जाएगा तो हमारा जावा अलाउ नहीं करेगा, या कोई लैंग्वेज अलाउ नहीं करेगी। कोई लैंग्वेज किसी भी प्रोग्राम के किसी डेटा को बिना स्ट्रक्चर के अलाउ नहीं करती है। सो दिस इज द यूजर डिफाइंड डेटा, and in order to present this user defined data we must have some kind of user defined data structure, and this user defined data structure is nothing but a class. Class is nothing but a user defined data structure, is a user defined data type. ये जो डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं, एक बच्चे ने इंटरव्यू में मुझे बताया था, जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूं और तब से मैं आपसे शेयर करता हूं। तो जो ऐसे भी बच्चे होते हैं जो मतलब इंटरव्यू में केवल क्लास इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं बोलते, वो ये भी बोलते हैं कि क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर। सर, इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, एक अलग इंपैक्ट जाता है। मतलब क्लास को रटते चले गए। डेटा टाइप दो तरह से होता है, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव बाइट सॉर्ट एरे कलेक्शन वगैरह, सॉरी बाइट सॉर्ट इंट लॉन्ग कैर होता है, और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में क्लास, एरे, इंटरफेस, एनम ये होता है। तो ये यूजर डिफाइंड डेटा है ना, और कोई भी यूजर डिफाइंड डेटा अगर आप चाहते हो लिखना, उसके लिए स्ट्रक्चर के बिना प्रोग्राम बना नहीं सकते हो। इसी चीज को सी में स्ट्रक्चर और यूनियन नाम दिया गया, और ऑब्जेक्ट यूनिट में इसका नाम क्लास दिया गया। तो क्लास इज जस्ट लाइक ए स्ट्रक्चर इन सी, अगर आपको सी थोड़ी सी आती है तो। सेम लिखिए जरा, कुछ कहानी लिखिए। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि हमेशा जो क्लास वो ऑब्जेक्ट होता है, क्लास हम क्लास मतलब ऑब्जेक्ट को क्लास के साथ ही यूज करते हैं? अभी आपके क्वेश्चन सुनेंगे, पहले लिखिए, मैं भूल जाऊंगा। लिखिए, एज वी नो दैट इन द रियल वर्ल्ड, एज वी नो दैट इन द रियल वर्ल्ड, एज वी नो दैट इन द रियल वर्ल्ड, as we know that in real world every objects having state, behavior and identity, every object having their state, behavior and identity, state, behavior and identity, but in real world we can see that there is so many objects, but in real world we can see that there is so many objects, there is so many objects which having same state, यानी कि same state and same behavior. So here problem is arise, so here problem is arise, how to categorizing these objects. Here problem is arise, how to categorizing these objects. Here problem is arise, how to categorizing these objects. Line change करके, in order to categorizing these objects, In order to categorizing these objects, they wanted to take a unique name from the real world. In order to categorizing these objects, they wanted to take a unique name from the real world. In order to categorizing these objects, they wanted, they means जो object oriented created, they wanted to take a unique name from the real world. And this unique name is nothing but a class. And this unique name is nothing but class. And what is a class? या classification हेडिंग डालिए class या classification. देखिए class is the A class is the logical categorization of similar type of objects. A class is the logical categorization of similar type of objects. A class is the logical categorization of similar type of objects. या लिख सकते हो A class is a blueprint for an object. Class is the blueprint for an object. या आप लिख सकते हो क्लास इज द कीवर्ड फ्रॉम कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू. क्लास इज द कीवर्ड फ्रॉम कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम. पॉइंट ऑफ व्यू Class is the keyword from coding point of view, which is responsible to creating a structure of the Java program. So that's why it is called user-defined data structure. That's why it is called user-defined data structure. या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. हाँ तो व्हाट इज द क्लास? क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप या यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है. And this is the syntax to creating a class in Java. क्लास बनाने के लिए सबसे पहले क्लास नाम का कीवर्ड लिखना पड़ता है. ये कीवर्ड है और कीवर्ड किसी भी लैंग्वेज के अंदर प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड होती है जिनकी मीनिंग लैंग्वेज फिक्स होती है और जितने भी कीवर्ड जावा के अंदर लिखे गए हैं सब स्मॉल लेटर में लिखे गए हैं. इसलिए क्लास बनाते टाइम पे स्मॉल लेटर लिखना होता है. क्लास दिस सुपर एक्सटेंड इम्प्लीमेंट पैकेज बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग कैट डबल इफ एल्स स्विच केस सब स्मॉल लेटर में होगा. सब स्मॉल होगा क्योंकि कीवर्ड है. कीवर्ड में सब कुछ स्मॉल होता है. एंड व्हाट इज द सिंटैक्स? अच्छा आप ऐसा बोल सकते हो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन. कोई गलत नहीं है क्योंकि एक क्लास के अंदर होता क्या है? डेटा होता है और फंक्शन होता है. और आप क्या बोल सकते हो? व्हाट इज द क्लास? क्लास इज द यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. क्लियर है. या क्लास इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर एंड फंक्शन. पता है मेरे पास 1 करोड़ रुपया आ गया. कितना? 1 करोड़ रुपया. अब आया है, क्या करा जाए बताओ। टैक्स पड़ेगा भाई, ये गवर्नमेंट के पास नहीं जाना चाहिए। अब इतना पैसा अगर मेरे पास आ गया तो बेस्ट तरीका क्या है भाई, उसको इन्वेस्ट कहाँ करें, कैसे करें? तो प्रॉपर्टी में, गाड़ी लेंगे, घर लेंगे। अच्छा मैंने जमीन खरीद लिया, क्योंकि घर के सहित जमीन के सहित घर बनाना बढ़िया परफेक्ट। जमीन खरीद लिया 50 लाख का, अब मुझे उसमें घर बनवाना है। तो अगर 50 लाख खर्च कर सकता हूं तो 50,000 और खर्च कर सकता हूं, ताकि मेरे उस घर का एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया जाए। एक बढ़िया आर्किटेक्ट के पास जाऊंगा, उससे कहूंगा मेरा डिजाइन तैयार कर भाई, एक ब्लूप्रिंट तैयार कर, जिससे मैं देखूं कि किस तरह से कौन कौन सी चीज, कितने रूम्स होंगे, कितने पार्टीशन होंगे, किचन कहाँ होगा, बाथरूम कहाँ होगा, वट एवर, ये सारी चीजें मैं डिसाइड करूंगा। तो अब आप सोचो कि जो डिजाइनर है, जो डिजाइन करके हमें देगा, अगर उसको डिजाइन करे बिना हम अपना घर बनवाने लगेंगे तो जाहिर सी बात है वो घर जो डिजाइन के थ्रू बना है, वो घर जो बिना डिजाइन के थ्रू बना है, उसको तोड़वाना पड़ेगा हमें, है ना, बार बार। अभी हमारे बगल में एक पड़ोसी थे, उन्होंने सोचा नहीं था और बनवा दिया, फिर से तोड़ा, फिर से बनाया, फिर से तोड़ा, तो बार बार कॉस्टिंग, राइट। तो वी हैव टू क्रिएट द सम काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट। ओके, ब्लूप्रिंट तैयार करिए, ब्लूप्रिंट तैयार होगा तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा बढ़िया होगा, पिलर उसका अच्छा होगा, ठीक है, सब कुछ, सारी चीजें हमने सोच के उसे प्रॉपर तैयार करेंगे तो सब कुछ बेटर होगा। तो जिस तरह से एक घर बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर हम तैयार करते हैं, ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, वैसे जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप ऑब्जेक्ट डिसाइड करोगे तो ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट तैयार करना ही पड़ेगा। और वो ब्लूप्रिंट और कुछ नहीं होता है, वो एक क्लास होती है, और क्लास ही वो हमें स्ट्रक्चर देती है। इसीलिए हमने इसे यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बोला, समझ आया? तो अगर आप कोई ऑब्जेक्ट की बात करो तो ऑब्जेक्ट की कल्पना ही नहीं करी जा सकती है बिना क्लास के थ्रू, क्योंकि क्लास इज द वे बाय विच वी कैन रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट। गलत है, ऑब्जेक्ट को क्लास के थ्रू स्ट्रक्चर दिया हमने प्रोग्रामिंग के लिए, क्योंकि स्ट्रक्चर इसलिए देना जरूरी है क्योंकि जावा कैसे समझेगा ये डेटा किस टाइप का है, ये स्ट्रक्चर किस टाइप का है। इसके लिए हमें यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर तो तैयार करना है, तो क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर, द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अच्छा, अगर मैंने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया तो क्या मैंने घर बना दिया? नहीं ना। अगर मुझे बनाना है शाही पनीर और मैंने नेट से रेसिपी डाउनलोड करी तो शाही पनीर घर पे नहीं ना, बनाना पड़ेगा। तो उसी तरह से क्लास जो होती है जस्ट एक ब्लूप्रिंट होती है। जैसे मैंने भी क्लास बनाया था जावा ट्रेनिंग, उसके अंदर डेटा फंक्शन बना दिया, तो जस्ट एक ब्लूप्रिंट तैयार करा और कुछ नहीं करा। अभी इसकी कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है, उसको कोई मेमोरी नहीं मिलेगी जब तक उस क्लास का ऑब्जेक्ट न बना दिया जाए। हमने कहा सर ये कौन सी बात, ऑब्जेक्ट से शुरू किया था, क्लास लेके फिर ऑब्जेक्ट कर रहे हो, बताइए ना। ऑब्जेक्टिव तो डिसाइड था, ऑब्जेक्टिव तो रियल वर्ल्ड में डिसाइड था ना। ऑब्जेक्ट को माइंड में सोचा, डेटा तैयार किया, फंक्शन तैयार किया, स्ट्रक्चर बनाया, बट अभी प्रोग्रामिंग में वो ऑब्जेक्ट कहाँ आया, उसके लिए मेमोरी एलोकेट करना पड़ेगा, समझ आया? तो जैसे रेसिपी डाउनलोड करा, खाना बनाना पड़ेगा, वैसे जब तक क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है ना, तब तक वो क्लास मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं करती है, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं आता। इसलिए हम क्लास का क्या बनाते हैं, तो एक क्लास के अंदर क्लास का कीवर्ड होता है, फिर आइडेंटिफायर मतलब क्लास का नाम जो क्लास को आइडेंटिफाई करे, उसके अंदर डेटा मेंबर होता है, मेंबर फंक्शन होता है। डेटा मेंबर मतलब स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मेंबर मतलब बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और क्या, ये क्लास बनाई क्यों है? ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट करने के लिए ना, तो ऑब्जेक्ट की जो चीजें हैं यही भी लिखी जाएंगी। और भी चीजें होती हैं, स्पेशल मेंबर फंक्शन भी होता है, स्पेशल MF लिख देता हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में, मेंबर फंक्शन, जिसके अंदर दो चीजें आती हैं। पहला आता है कंस्ट्रक्टर और दूसरा आता है इनिशियलाइजर। अच्छा, आप देख रहे होगे मैं ये वाला सिंबल लगा रहा हूं, तो ये सिंबल जहां पे भी लगा होगा उसे मान लेना ऑप्शनल फॉर क्लास, मतलब एक क्लास के अंदर ऐसा हो सकता है कि आप कोई डेटा ना रखो। अच्छा ये बताओ कि जब आपने हेलो जावा प्रोग्राम बनाया था तो आपने क्लास बना के, मेन बना के और बस हेलो जावा लिख दिया था ना, और तो कुछ लिखा नहीं था, आपने कोई डेटा बनाया, कोई फंक्शन बनाया। तो डेटा मेंबर फंक्शन ऑप्शनल होता है। देखो डेटा के आगे मैंने सेमीकॉलन लगाया है और मेंबर फंक्शन जो कि ओपनिंग क्लोजिंग होती है इसलिए मैंने ऐसा लिखा है सिंटैक्स के साथ, समझ आ रहा है। और स्पेशल मेंबर फंक्शन में कंस्ट्रक्टर के आगे वो ऑप्शनल सिंबल नहीं लगा होता है, बाकी सारी जगह लगा होता है। और यहाँ पे दो चीज आती है, एक आता है इनिट ब्लॉक और दूसरा आता है स्टैटिक ब्लॉक। दो ब्लॉक होता है, इनिट ब्लॉक, स्टैटिक ब्लॉक। एक क्लास का आइडेंटिफायर डेटा मेंबर, मेंबर फंक्शन, स्पेशल मेंबर फंक्शन में कंस्ट्रक्टर और इनिशियलाइजर, इनिशियलाइजर के अंदर इनिट ब्लॉक, स्टैटिक ब्लॉक। मतलब दिस इज द कंप्लीट सिंटैक्स टू क्रिएटिंग अ क्लास इन जावा। और अगर आपने ये पूरा चीज समझ लिया तो समझ लो कि जावा में मास्टर बन गए, क्योंकि जावा में और कुछ होता ही नहीं है। एक क्लास होता है, डेटा होता है, फंक्शन होता है, एक कंस्ट्रक्टर होता है, इनिशियलाइजर होता है, बस एक क्लास के अंदर यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं। इनिट ब्लॉक, स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है। तो चलो ठीक है, वो हम जानेंगे। पहले मुझे ये बताओ कि इसको अब हम कंप्यूटर पे बनाएं है कि नहीं, अब सिस्टम पे बनाएंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे डेटा। तो अब मैं अगर प्रोग्राम बनाऊं तो मुझे बस क्लास लिखना है, क्लास का नाम लिखना है, डेटा और फंक्शन लिखना है। तो उसके बाद इस क्लास का जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बन जाएगा तब तक ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं होगा, ये तो बात समझ में आ गई। तो इसको और ऑब्जेक्ट बनाने वाली जो कहानी है कल बहुत डिटेल में समझेंगे। पहले ये बताइए कि ऑब्जेक्ट और क्लास में दिक्कत तो नहीं है? तो क्लास इज व्हाट इज द क्लास, क्लास इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। व्हाट इज द क्लास, कहते हैं क्लास इज द ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट। सुनो क्लास इज द ब्लूप्रिंट फॉर ऑब्जेक्ट, मैं बहुत रट्टा मारता था। क्लास इज द ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस फॉर द क्लास, है ना। क्लास इज द ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट, अब मतलब समझाया, ऑब्जेक्ट सोचा, उस ऑब्जेक्ट की ब्लूप्रिंट तैयार करना है, स्ट्रक्चर तैयार करना है। और क्लास ही क्यों, क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अगर क्लास नहीं होता, क्योंकि ये जो हम ऑब्जेक्टिव सोचते हैं ये हमारा यूजर डिफाइंड डेटा है, और यूजर डिफाइंड डेटा को स्ट्रक्चर में लिखने का तरीका होता है क्लास। आपने कहा स्ट्रक्चर और भी कुछ होता है, यूजर डिफाइंड डेटा को लिखने का और भी कोई तरीका होता है, एरे भी होता है, इंटरफेस भी होता है, एनम भी होता है, बहुत सारे तरीके हैं। अभी हम क्लास से स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। और क्लास का जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा ये एग्जिस्ट नहीं